अब अमेरिका का जमाना लद रहा है। अब वह युग बीत चुका है जब अमेरिका खुद को श्रेष्ठ और शक्तिमान मानकर किसी भी देश पर अपने प्रतिबंधों को थोपकर उसे घुटनों पर ला देता था। आजकल अमेरिका के ऐसे प्रतिबंधों को दुनिया का कोई भी देश गंभीरता से नहीं लेता है। शायद इसकी वजह यह है कि उदारीकरण के इस दौर में किसी देश की अर्थव्यवस्था अमेरिका केंद्रित नहीं रही है। दुनिया के अधिकांश देशों में राष्ट्रवाद का बिगुल बज चुका है और मान सम्मान की भावना कहीं अधिक ताकतवर होकर उभरी है। खुद अमेरिका भी राष्ट्रवाद की भावनाओं को सबसे ऊपर रखकर दूसरे देशों से संबंध और समझौते स्थापित कर रहा है। पर अमेरिका की परेशानी यह है कि उसे अपना राष्ट्रवाद तो दिखाई देता है, मगर दूसरे मुल्कों की राष्ट्रवादिता का उसकी निगाहों में कोई महत्व नहीं है। अमेरिका ने म्यांमार के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ और दक्षिण पूर्व एशियाई देश के 3 शीर्ष सैन्य नेताओं पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका द्वारा थोपे गए इस प्रतिबंध के आगे म्यांमार के जनरल चट्टान की तरह अड़कर खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका प्रतिबंध से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गौरतलब है कि अमेरिका ने देर रात म्यांमार के जनरल और उसके पूरे परिवार पर अमेरिका में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कुछ ही घंटे बाद जनरल आंग हलाइंग की कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। उन्होंने दो टूक कहा कि वे रोहिंग्या मुसलमानों पर अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। अमेरिका उन्हें अपने यहाँ आने पर प्रतिबंधित करता है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी उन्हें अपने देश से बाहर जाने की फुर्सत नहीं है। म्यांमार के जनरल का यह जवाब ट्रंप की धौंस की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। अमेरिका ने जनरल आंग हलाइंग के साथ उसके नंबर 2 सोविन 33वें लाइट इन्फेंट्री डिवीजन आंग आंग और उसके समकक्ष ब्रिगेडियर जनरल के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाया है। 99वें इन्फेंट्री डिवीजन थान ओ को भी अमेरिका में प्रतिबंधित किया गया है। अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि म्यांमार सरकार ने मानवाधिकार के उल्लंघन और दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों के उल्लंघन और दुर्व्यवहार की रिपोर्ट पूरी तरह साफ थी। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर माइक पोम्पियो ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पहली ऐसी सरकार है जो बर्मी सेना के सबसे वरिष्ठ नेतृत्व के संबंध में सार्वजनिक रूप से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या की जातीय सफाई के दौरान उत्तरी रखाइन राज्य में असाधारण हत्याएं की गई है। पर कमाल की बात यह है कि म्यांमार जैसे छोटे देश के प्रतिबंधित सैन्य अधिकारी अमेरिका के सामने अड़ गए हैं। उन्होंने अमेरिका प्रशासन को साफ साफ कहा कि यह उनका आंतरिक मसला है, अमेरिका उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। बर्मी सेना जो भी कदम उठा रही है वह सही है। उन्होंने अपने देश की संस्कृति और जनता को सुरक्षित करना है। वह रोहिंग्या मुसलमान हो या अन्य कोई, यदि वह म्यांमार की अस्मिता से खिलवाड़ करेंगे तो सेना उसे सबक सिखाने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में म्यांमार में भड़की धार्मिक हिंसा के चलते लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान जान बचाने के लिए भारत, बांग्लादेश आदि पड़ोसी मुल्कों में भाग आए थे, जिसके बाद म्यांमार सेना ने रोहिंग्या पर बड़ी कार्रवाई की थी। म्यांमार सेना के जनरल आंग हलाइंग ने कहा है कि उस वक्त अमेरिका कहां व्यस्त था जब रोहिंग्या मुसलमान रखाइन में दूसरे धर्मावलंबियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने पर उतारू थे। मतलब साफ है, म्यांमार ने अमेरिकी प्रतिबंधों की जिस प्रकार धज्जियां उड़ाई है उससे स्पष्ट है कि अब म्यांमार जैसा छोटा सा मुल्क भी उसकी कोई परवाह नहीं करता है। यानी जब किसी देश में राष्ट्रवाद का उद्घोष होता है तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे उसके लक्ष्यों से डगमगा नहीं सकती। बड़ी बात यह है कि म्यांमार की सर्वोच्च नेता सूची इसी राष्ट्रवाद के नाम पर एमनेस्टी इंटरनेशनल को सर्वोच्च सम्मान एम्बेसडर ऑफ कॉन्फियंस अवार्ड वापस लौटा चुकी है। इसकी वजह यह है कि सूची ने रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के मामले में एक शब्द भी नहीं बोला था, जिसका मतलब यह निकाला गया कि वह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर की जा रही सैन्य कार्रवाई का समर्थन करती है। इससे भी खास बात यह है कि राइटर न्यूज एजेंसी के 2 पत्रकारों की गिरफ्तारी का भी उन्होंने समर्थन किया था। ये पत्रकार म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या की पड़ताल करने गए थे। लेकिन अब अमेरिका ने जिस प्रकार म्यांमार के शीर्ष सैन्य नेताओं पर प्रतिबंध लगाया, उससे उल्टे अमेरिका की ही किरकिरी इन सैन्य अधिकारियों ने कर दी है। इनके जवाब के बाद सख्त में आया ट्रंप प्रशासन किसी ऐसे विकल्प की तलाश कर रहा है जिससे म्यांमार को घुटनों पर लाया जा सके। मगर म्यांमार ठान चुका है कि वह हर हाल में अपनी सार्वभौमिकता और जनता की रक्षा करेगा। इन्हें लगता है रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार की शांति और तरक्की में बड़ी रुकावट है, और शायद इसीलिए वह इनका सुधार कर रहा है, वह भी चीन वाले तरीके से।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।